Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Shweta Sharma और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में जरूर रहता है कि हाउ टू ऑपरेट डेंटल चेयर. डेंटल चेयर को कैसे यूज करना है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसको कैसे ऑपरेट करना है. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. ये ट्रॉली होती है, इस पर बटन्स होते हैं, नीचे हम एयर रोटर वगैरह लगाते हैं. दिस इज चेयर जहाँ पे पेशेंट होता है. यहाँ पे ऊपर लाइट है, ठीक है. वहाँ पे वॉश बेसिन यू कैन सी, वहाँ पे जो सक्शन वगैरह होता है और एक जो असिस्टेंट है उसके लिए वहाँ से भी ऑपरेटिंग होता है. इसे हम एयर रोटर चलाते हैं. तो ये सारे पार्ट हैं एक डेंटल चेयर के. वन बाय वन शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द ट्रॉली. इस पे बेसिकली कॉटन बॉक्स, कॉटन होल्डर जिसे हम कहते हैं कॉटन, ठीक है, कॉटन रोल्स, दीज आर द बर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों जो हैं हमारे बर बॉक्स हैं. ये एंडो बॉक्स है जिसमें फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है. इन फाइल्स को मेज़र करने के लिए, इनकी लेंथ देखने के लिए यहाँ पे ये मेज़रमेंट होती है. ये टेम्परेरी फिलिंग है, ये सेलाइन, ये वैसलीन, ये फाइल्स. उसके अलावा यहाँ पे दो तरह के आले हैं. ये है एड्रेनालिन वाला, ठीक है. एड्रेनालिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, आपको पता ही होगा. वैसे बताना कि भाई क्यों यूज़ होता है, अलग अलग क्यों यूज़ होते हैं. ये सिंपल है, प्लेन जिसे हम कहते हैं. तो इनका आंसर आप बताओगे कि प्लेन और जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर वाला एले है, एड्रेनालिन वाला, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. सो दिस इज ट्रॉली. यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे हमारा देखिए दिस इज एयर रोटर, इसमें बर्ड लगता है. एंड दिस इज थ्री वे सिरिंज. अब पॉइंट आता है थ्री वे क्यों कहते हैं. सी जो राइट वाला होता है इसके ऊपर बने भी हुए हैं, इससे एयर आती है. जो लेफ्ट वाला होता है इसमें वाटर आता है. अगर मैं चला के दिखाऊँ, देखो लेफ्ट वाला प्रेस किया पानी, राइट वाला प्रेस किया तो हवा. इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो दोनों आएंगे, ठीक है ना. वाटर विद एयर प्रेशर. तो तीन काम हुए, एक पानी का, एक हवा का और एक दोनों का. सो दिस इज थ्री वे सिरिंज. इसकी यही पोजीशन रहती है, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे देखिए अभी ये होते हैं बटन्स. इनके ऊपर ही साइन मेंशन होते हैं. फॉर एग्जांपल ये है चेयर को ऊपर करने के लिए, ये है चेयर को नीचे करने के लिए, ये है बैक सीट को आगे करने के लिए, ये है बैक सीट को पीछे करने के लिए. जो मैंने ये बताया ऊपर वाला, ये इस चेयर को ऊपर करेगा, ये जो है ये चेयर को नीचे करेगा, ये जो है ये बैक सीट को आगे करेगा और जो ये पीछे वाला है ये बैक सीट को पीछे करेगा. वन बाय वन दिखाते हैं. पहले ऊपर करते चेयर को, दिखा, नीचे करते हैं, ठीक है. अब इसको बैक सीट को पीछे करते हैं, बैक सीट को आगे करते हैं. ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज फोर बटन्स. सबसे पहला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्लास में पानी आ रहा है. देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन है, हम डिस्पोजेबल निकालेंगे एक और इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है. पेशेंट को पानी देना है तो यहाँ पे हम इसमें से पानी चलाएंगे और वहाँ पे मैंने प्रेस किया, पानी आ गया. और जब पानी भर जाता है तभी आपको बटन दोबारा से प्रेस करना है उसको बंद करने के लिए. ऐसे ही यहाँ पे वॉश बेसिन बना रखा है तो वॉश बेसिन में अगर डायरेक्ट पानी डालना है हमें, ठीक है, तो डायरेक्ट पानी आएगा और उसके बाद ये बंद कर देना है, ठीक है. तीसरा है लाइट के लिए. लाइट अगर हम यहाँ पे है, लाइट यहाँ पे अगर प्रेस करते हो तो ये लाइट ऑन होगी, ठीक है. उसके अलावा लाइट को आप एज अ सेंसर की हेल्प से भी ऑन कर सकते हो एंड ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है ना. यहाँ पे सेंसर होते हैं. अरे फिर से ऑन होगी भाई, ठीक है. नाउ दिस फोर्थ बटन इज फॉर फिल्म. यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल RVG है, पर जिन पेशेंट्स के पास फिल्म होती है,
ठीक है, तो IUPA हो गया, उसकी फिल्म है, तो इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, ठीक है, इसकी लाइट बंद हो गई, ऑन हो गया। और फिल्म को हम यहाँ पे जो ये होल्डर है यहाँ पे लगा के और इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी बंद कर देते हो भाई, तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। नाउ दीज टू क्या होता है, अब कई बार हम पेशेंट को बिल्कुल सीट को बिल्कुल ऊपर करके बिठाते हैं पेशेंट को। अब अभी प्रोसीजर हो गया है पेशेंट का, अभी ट्रीटमेंट प्रोसीजर ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम जो मेन पोजीशन होगी, अभी ये मेन पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे हम चेयर को लाएंगे और उसके बाद पेशेंट को हम जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर बहुत ऊपर होगी सीट तो पेशेंट को उतरने में परेशानी होगी, इसलिए हम मेन पोजीशन पे चेयर को लाते हैं, उसके बाद पेशेंट को जाने के लिए बोलते हैं। एंड अगर हमें ये ट्रॉली नीचे करनी है तो हम सिंपल इसको प्रेस करेंगे और इसे नीचे कर देंगे, ईजीली नीचे हो जाएगी। ऐसे ही इस अगर ये ऊपर करनी है तो इस बटन को प्रेस करके ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, इससे ईजी हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये एयर रोटर लिखा भी हुआ है ए, ठीक है ना, ये माइक्रो मोटर के लिए है। यहाँ पे चेयर पे बैठ के हम इजीली ऑपरेट करेंगे, एक पैर से हम एयर रोटर का जो बटन है उसे प्रेस करेंगे और एयर रोटर में बल डाल के अपने अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरे साइड आते हैं जहाँ पे असिस्टेंट असिस्ट करा सकता है इजीली, उसके लिए यहाँ पे सक्शन है, ठीक है। सक्शन में अलग से एक टिप लगती है, वो डिस्पोजेबल होती है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नए पेशेंट में नहीं यूज़ होती है हमेशा। उसके अलावा थ्री वे सिरिंज यहाँ पे भी है, सेम बटन्स यहाँ पे भी है, लैंप लाइट के लिए, वॉश बेसिन में डायरेक्ट पानी के लिए, ग्लास में पानी के लिए, चेयर की बैक सीट को पीछे आगे, चेयर को नीचे ऊपर, ठीक है। सक्शन को हम यहाँ से ऑन करते हैं, आवाज़ आ गई, ठीक है ना, ऑन हो गया, अब इसे बंद कर देते हैं। तो दिस यहाँ पे आप डिस्पोजल ग्लासेस रख सकते हो, टिश्यूज़ रख सकते हो, यहाँ पे वन बाय वन निकाल के आप दे सकते हो, ये क्लीन है वॉश बेसिन बाय द वे। सो दिस इज़ ऑल। एक बार एयर रोटर को भी थोड़ा फ्रेम में ले लेते भाई, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें फ्रेम में आ गई हैं एक बार में ही, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, कैसे हमारी डेंटल चेयर वर्क करती है। हाँ, यहाँ से सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और हाँ, ये रह गया था, ये बोतल आपको निकालनी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम घुमा के निकाल देते हैं और इसको पानी भर के डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए क्लीन, ताकि क्योंकि पेशेंट के ओरल कैविटी में जाएगा, इसको पानी भर के और दोबारा फिर हम यहाँ पर लगाते हैं, ताकि जो हमारा एयर वोटर काम करता है उसमें पानी बेसिकली यहीं से आता है, ठीक है ना। क्लीन वाटर हमेशा होना चाहिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमा के निकाल सकते हो एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आप बंद कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे RVG है अभी, हाँ ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।